नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन के पवित्र त्यौहार से जुड़ी हुई कहानियों के विषय में। दोस्तों, कई कहानियां हैं जो कि रक्षा सूत्र बंधन के विषय में हमें पौराणिक कथाओं में जानने मिलती है, जैसे कि कृष्ण और द्रौपदी की कहानी, लक्ष्मी जी और राजा बलि की कहानी, यम और यमुना जी की, कुंता अभिमन्यु की और इंद्र इंद्राणी की। चलिए सुनते हैं इन कहानियों के बारे में। कृष्ण और द्रौपदी की कहानी इस प्रकार है। महाभारत कथा में उल्लेख है कि जब शिशुपाल के पापों का घड़ा भर गया, तब धर्म के रक्षण के लिए श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग कर शिशुपाल का वध किया था। इस घटना में श्री कृष्ण की उंगली से रक्त निकलने लगा था। जब द्रौपदी ने यह देखा, तब उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू को चीर कर उसे श्री कृष्ण की उंगली पर बांधा, जिससे कि रक्त बहाव रुक जाए। कहा जाता है कि वह दिन श्रावणी पूर्णिमा का था। द्रौपदी का यह वर्तन देख श्री कृष्ण ने कहा कि समय आने पर वे उनके हरेक धागे का ऋण चुकाएंगे। कुछ वर्षों बाद जब पांडवों और कौरवों की द्रुत क्रीड़ा में पांडवों ने द्रौपदी को हार दिया, तब चीरहरण के समय श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से चीर उत्पन्न कर द्रौपदी को लज्जित होने से बचाया था और इस प्रकार अपने वचन का पालन किया था। यह प्रसंग कृष्ण की वचनबद्धता और अपनी बहन की रक्षा के संबंध में प्रचलित हुआ। अब सुनते हैं लक्ष्मी जी और बलि राजा की कहानी। असुरों के एक राजा बलि थे। वह विष्णु जी के परम भक्त थे। एक बार जब उन्होंने यज्ञ करवाया, तब यज्ञ के बाद करने वाले दान के समय श्री विष्णु वामन अवतार लेकर उनकी परीक्षा करने पहुंचे। वामन रूप विष्णु जी ने 3 कदम भूमि का दान मांगा। असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को सूचित किया कि यह वामन कोई दिव्य आत्मा है, इसकी बातों में ना आना। किंतु अपने नियम अनुसार बलि राजा को दान करना था और बलि राजा ने वह न सुनकर वामन रूपी विष्णु जी को दान में 3 कदम भूमि देने को तैयार हो गए। श्री हरि विष्णु ने वामन रूप से विराट रूप धारण किया और 2 कदमों में पूरी पृथ्वी नाप ली। अब उन्होंने बलि राजा से 3रे कदम रखने के लिए स्थान मांगा। बलि राजा समझ गए थे कि श्री विष्णु उनकी परीक्षा कर रहे हैं। बलि राजा ने 3रा कदम अपने मस्तिष्क पर रखने के लिए कहा और कहा कि प्रभु, मेरे पास कुछ शेष नहीं बचा है, इसलिए 3रा कदम मेरे मस्तिष्क पर रख, पाताल लोक में चलें। बलि राजा की बात मानकर श्री हरि बलि के मस्तिष्क पर कदम रख पाताल लोक चले गए। जब लक्ष्मी जी को यह ज्ञात हुआ, तब विष्णु जी को वापस विष्णु लोक में लाने के लिए एक तरकीब की। श्री लक्ष्मी जी सामान्य महिला के रूप में पाताल लोक गई और बलि राजा से कहा कि मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ। उस समय बलि राजा ने अपने दोनों हाथों से प्रभु चरण पकड़ रखे थे। बलि राजा ने एक हाथ छोड़कर कहा कि राखी बांध लो, किंतु मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। राखी बांधकर लक्ष्मी जी अपने मूल स्वरूप में आकर बोली, हे राजा, मैं स्वयं लक्ष्मी हूँ, मुझे किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं है। जैसे तुमने एक हाथ मुझे दिया, उसी प्रकार अपना दूसरा हाथ मुझे देकर प्रभु को मुक्त करो। मुझे इन्हें वापस विष्णु लोक में ले जाना है। बलि राजा ने रक्षा सूत्र के बंधन का वचन पालन किया और श्री विष्णु जी को मुक्त किया। कहा जाता है कि इस प्रकार यह भाई बहन का त्योहार बना। एक छोटा प्रसंग है यम और यमुना जी का। ऐसा कहा जाता है कि यमराजा, जो कि काल अर्थात मृत्यु के देवता हैं, उन्हें अपनी बहन यमुना जी ने रक्षा सूत्र बांधा था। यमराज ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया था और कहा था कि जो भी भाई अपनी कलाई पे राखी बंधवाता है और अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है, वह खुद भी मेरे से रक्षा पाएगा। यह प्रसंग भाई बहन के पवित्र संबंध की गरिमा प्रस्तुत करता है। महाभारत में और एक प्रसंग है रक्षा सूत्र बंधन का। जब अभिमन्यु युद्ध में जाने के लिए तैयार हुआ, तब माता कुंता ने अभिमन्यु के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा था और विजयश्री का आशीर्वाद दिया था। अभिमन्यु दूसरे योद्धाओं की तुलना में छोटा था और द्रौपदी के पुत्र युद्ध के लिए बहुत ही छोटी उम्र के होने के कारण योग्य नहीं थे। अभिमन्यु ही था
जिसे चक्रव्यूह के विषय में कुछ ज्ञान था, इसलिए कुंता ने अभिमन्यु की रक्षा हेतु रक्षा सूत्र बांधा था। और एक प्रसंग है इंद्र और इंद्राणी का, जिसमें राखी को पवित्र सूत्र के रूप में दिखाया है। इसे एक रक्षा सूत्र की तरह पत्नी अपने पति को बांधती है। कहा जाता है कि जब देवता और असुरों का एक बड़ा युद्ध हुआ था, तब देवराज इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने यह रक्षा सूत्र उनके हाथों में बांधा था। तो इस तरह रक्षाबंधन केवल भाई और बहन के लिए सीमित न होकर रक्षा कवच की तरह भिन्न भिन्न प्रसंगों में दर्शाया गया है। दोस्तों, ये थी कुछ बातें रक्षाबंधन से जुड़ी हुई। ऐसी बातों के बारे में और जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।